मैं प्रदीप कौर, खास बठिंडा की रहने वाली हाँ। मैं गौरमेंट हाई स्कूल कुद्दू वाला फिरोजपुर विखे 3704 मास्टर कैडर गणित अध्यापक बतौर काम कर रही हाँ। मैं आज जो भी भाषण दे जा रही हाँ उसका विषय है श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी। दुनिया विच नहीं जिसका कोई सानी, उस गुरु लासानी की गल करिए। 26 साल तक जिसने भोरे विच तप किया, उस ब्रह्म ज्ञानी की गल करिए। दित्ती गई जो चांदनी चौंक विच, उस पावन कुरबानी की गल करिए। सिखां दे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में अमृतसर विखे होया। इन्हां दा बचपन का नाम त्यागमल सी, पर 14 साल की उम्र विच ही करतारपुर विखे हुई लड़ाई विच इन्होंने चंगी तलवारबाजी दिखाई। इन्हों का नाम त्यागमल तो तेग बहादुर भाव तलवार चलाने विच बहादुर पै गया। इन्हों का विआह लाल चंद जी की सपुत्री माता गुजरी जी नाल होया। लंबे समय के व्यौता जीवन तो बाद इन्हों के घर 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में बाल गुरु गोविंद राय जी ने जन्म लिया। उधर श्री गुरु हरकृष्ण जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिता कि उन्हों का उत्तराधिकारी बाबा बकाला विखे मिलेंगे। उन्होंने किसी खास व्यक्ति का जिक्र ना किया और ज्योति जोत समा गए। यह सुन के 22 सोडी जाति के लोग अपने आप को गुरु मान के गुरगद्दी के मालक बन बैठे। पर मक्खण शाह लुबाणा जो कि एक व्यापारी सी, उसका जहाज समुद्री तूफान विच फस गया और उसने परमात्मा अगे अरदास की कि जे मेरा जहाज सही सलामत माल समेत समुद्री तूफान विचों वापस आ जाए तो वह गुरु जी अगे 500 सोने दियां मोहरां भेट करेगा। जदों वह बाबा बकाला विखे 500 सोने दियां मोहरां भेट करन आया और बाकी बाई गुरुआं वांग गुरु जी अगे भी 2 सोने दियां मोहरां रखियां और गुरु जी बोले, एक के भाई तुसी तां जहाज डुबण समय 500 सोने दियां मोहरां देण दा वचन कीता सी ते हुण सिर्फ 2 ही मोहरां। मक्खण शाह लुबाणा जी नूं कुछ ना सुझिया। उसनू वास्तविक गुरु जी के दर्शन हो चुके सन। उसने उची उची रौला पाना शुरू कर दिता, गुरु लादो रे गुरु लादो रे, भाव गुरु मिल गया है, भाव गुरु मिल गया है। समा बीतन दे नाल कृपा राम जी की अगवाई हेठ 16 होर कश्मीरी पंडित गुरु जी कोल आए ते उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारां की कथा सुनाई और गुरु जी ने कहा, इस समय किसी महापुरश की कुरबानी की लोड़ है। बाल गुरु गोबिंद राय जी को बैठे मुस्कराए ते कहा, तुहाडे तो वड्डा महापुरश और कौन हो सकता है। यह सुन के श्री गुरु तेग बहादुर जी, भाई सतीदास, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी दिल्ली वल कूच कर गए। पर जाने तो पहला उन्होंने पूरी विधि विधान के नाल बाल गोबिंद राय को श्री गुरु गोबिंद राय बनाया। उन्हों का सिर 11 नवंबर 1675 ईस्वी में दिल्ली चांदनी चौंक में धड़ तो अलग कर दिता। यह समा सिख कौम लई मातम का समा सी, पर सिख कौम निडर सी, उन्हां नूं किसी का डर नहीं सी। उन्होंने सोचा कि गुरु जी ने तो औरंगजेब के जुल्मां खिलाफ़ तलवार चुकी है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी विचित्र नाटक च लिखते हैं, तेग बहादुर के चलत पइयो जगत को सोग, तेग बहादुर के चलत पइयो जगत को सोग, है सब जगत पइयो जय जय सरलोक। सिख कौम अटल सी, अटल है अते हमेशा अटल रहेगी। गुरु जी की शहीदी ने सिख पंथ की सिरजना का हुक्म दे के सिख पंथ की सिरजना का राह पदरा कर दिता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।